दोस्तों, इस वीडियो में हम बताने वाले हैं पांच बीमारियों के बारे में। तो वीडियो को बेगर भगाए पूरा अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब मेरे दोस्त जरूर कीजिएगा कि अच्छा जानकारी आप लोगों के पास में डायरेक्ट मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सवाल नंबर एक, पेट के मरोड़ कैसे ठीक करें, यानी पेट मरोड़ हो जाए तो कैसे ठीक किया जाता है। दोस्तों, नहीं जानते हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, इसका सही आंसर है खिचड़ी खाने से पेट की मरोड़ जो है वो तुरंत ठीक हो जाती है। और आपको गर्म सामान से परहेज करना पड़ेगा, हल्दी डाल देना है, खिचड़ी बनाना है और उसको दो तीन बार खाना है। पेट की मरोड़ गैस पदहजम में तुरंत ठीक होगी। सवाल नंबर दो, टीबी कैसे ठीक होता है, टीबी की रोग कैसे ठीक होती है। नहीं जानते हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अच्छा जानकारी हमेशा पाने के लिए। दोस्तों, इसका सही आंसर है लहसुन की चटनी 40 दिन तक खाने से टीबी की नामो निशान तक मिट जाती है। और अंडा खाना है, मीट खाना है तो आपको टीबी की नामो निशान दोस्तों तुरंत 40 दिन में मिट जाएगा। और ठंडा सामान बिल्कुल नहीं छूना है। सवाल नंबर तीन, आग से जलने पर क्या करना चाहिए तुरंत। दोस्तों, अगर आग से किसी प्रकार से किसी भी अंग में जल गया है तो क्या करना चाहिए तुरंत। दोस्तों, इसका सही आंसर है केला का गुद्दा मसल कर लगाना चाहिए उस स्थान पर। आपको आग से जला होगा तो तुरंत ठीक हो जाएगी और आसानी से आपका जो जला हुआ जगह है वो तुरंत ठीक होने लगेगा। सवाल नंबर चार, दांत दर्द कैसे ठीक होता है तुरंत। दोस्तों, नहीं जानते हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा हमेशा अच्छा जानकारी पाने के लिए। दोस्तों, इसका सही आंसर है कच्चा हल्दी को दांत पर रखने से ठीक होता है। गरम करके, गरम कर लेना है हल्दी को, उसके बाद में दांत पर दबा करके उसको रखना है तो आपको तुरंत दांत की दर्द ठीक हो जाएगी। दोस्तों, सवाल नंबर पाँच, कच्चा लहसुन खाने से, यानी कच्चा लहसुन की चटनी खाने से क्या क्या फ़ायदा मिलती है शरीर में। दोस्तों, नहीं जानते हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों, इसका सही आंसर है सात बीमारी मिट जाती है, जैसे कि टीबी, दमा, एसिडिटी, गैस बदहजमी, गठिया की बीमारी, लकवा की बीमारी और कपार चक्कर देता होगा, आंख दर्द, इस सब बीमारी मिट जाती है। थैंक यू दोस्तों, बने रहें, मस्त रहें, खुशहाल रहें।